सब्सक्राइब कीजिए आओ घर सजाएं चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल में आपके लिए डोरमेट लेकर आई हूँ, जो मैंने यहाँ पे पुरानी साड़ियों से बनाया हुआ है। सो फ्रेंड, चलिए मैंने इसको किस तरह से बनाया हुआ है मैं आपको बताती हूँ कि फ्रेंड्स, डोरमेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर सिलाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पर 7 नंबर की ये सिलाइयाँ ली हुई हैं, देखिएगा। मैंने ये साड़ी ली हुई है जिसको मैंने 1-1 इंच की पट्टियाँ कट कर ली हैं। इसी तरह से हमें 4 कलर की ज़रूरत पड़ेगी, 1-1 इंच के ही हमें चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे अलग अलग कली बनानी है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे 4 कलर की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 16 फंदे डाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम उल्टी उल्टी अपनी सिलाई बनाएंगे। एक उल्टी सिलाई हमें यहाँ से और एक यहाँ से, 2 सिलाई हमें बना के कंप्लीट कर लेनी है। फ्रेंड्स, ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2रा कलर लगाएंगे। दूसरा कलर लगाने से पहले हम क्या करेंगे, ये 2 फंदे इस तरीके से हम उतार लेंगे, ये देखिए, और यहाँ से हम अपना कलर लगाएंगे और पूरी सिलाई हम इसी कलर से बना के कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हमारी रॉन्ग साइड की पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके राइट साइड में हैं, यहाँ से हम एक फंदा बढ़ाएंगे, ये इस तरीके से इस तक आगे साइड करेंगे, और ये और पूरी लाइन हम इसी तरीके से बना लेंगे। जो पीछे हमने 2 फंदे छोड़े थे उनको नहीं बनाने हैं, ये लाइन हमें इसी तरीके से हमें बनानी है। देखिए, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारा राइट साइड था, ये हमारा रॉन्ग साइड है। अब हम यहाँ पे रॉन्ग साइड की साइड है, फिर से हम यहाँ से 2 फंदे इसके उतार लेंगे, ये देखिए। पीछे से हमें 2 फंदे छोड़ने हैं और आगे से हमें 1 फंदा बढ़ाना है, और इस लाइन को हम ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट हो चुकी है, राइट साइड में है। तो अभी हमने 1 फंदा बढ़ाया था, तो हम एक और फंदा बढ़ाएंगे। इसी तरीके से हमें यहाँ पे 4 फंदे बढ़ाने हैं, देखिए बढ़ चुका है, और पूरी लाइन हम इसी तरह से बना के कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारी राइट साइड की रो कंप्लीट हो चुकी है। धागा अपना पीछे की साइड लेंगे, और फिर से हम यहाँ से पीछे से इसमें से 2 फंदे इसमें ले लेंगे, और यहाँ से हम 2रा कलर लगाएंगे। पूरी लाइन अपनी इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए, लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसके राइट साइड में है। 1 फंदा हम फिर से बढ़ा लेंगे, धागा के एक साइड करेंगे इस तरीके से, और इस लाइन को भी हम पूरा बनाएंगे। जो पीछे के फंदे हम ये छोड़ रहे हैं, इन्हें हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ हमें यहाँ तक इसको बनाना है। जितने हमारे पास ये फंदे, ये छोटे फंदे अभी हमें नहीं बनाने हैं, और ये लाइन हम इसी तरह से कंप्लीट करें। इस तरह से हमारी ये राइट साइड की रो कंप्लीट हो गई है। फिर से धागा पीछे की साइड करेंगे हम, और इसमें से हम 2 फंदे और उतारेंगे, 2रा कलर लगाएंगे यहाँ से, और पूरी लाइन हम इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए, ये रो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे 1 फंदा और बढ़ाना है, तो हमारे पूरे यहाँ पे 4 फंदे बढ़ जाएंगे। देखिए इस तरीके से, एक ही में से हमें अब धागा आगे साइड करेंगे, और ये हमारे पास 1 का 2 हो गया। अब इसको हम पूरा बना लेंगे। फ्रेंड्स,
इस तरीके से हमारे पीछे 8 फंदे छूट चुके हैं और ये 12 फंदे ये हमारे पास हो चुके हैं। जब हम इसके रॉन्ग साइड में हैं तो हम क्या करेंगे, 2 फंदे हम उतार लेंगे, बाकी फंदे हम इसी तरीके से बना लेंगे। इस तरीके से हमारी ये रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम फंदे बढ़ा रहे थे, अब यहाँ से हम जो हमने 4 फंदे बढ़ाए हैं वो हम इस तरीके से घटाएंगे, जैसे हमने एक एक करके बढ़ाए थे उसी तरह से यहाँ से हमें कम करनी है और बाकी सिलाई हमें इसी तरीके से बनानी है। इस तरीके से हमारी राइट साइड कंप्लीट हो चुकी है। पीछे की साइड से हमें 2 फंदे बराबर अभी उतारने हैं, ये देखिए। आगे की साइड से हम जो हमने फंदा बढ़ाया हुआ था वो हम कम करते जाएंगे, बाकी हम सिलाई इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमने एक फंदा कम कर दिया है, अब यहाँ से हम एक फंदा और कम कर देंगे। राइट साइड से ही हमने आगे एक साइड बढ़ाया था, उधर से ही हमें इसको कम करना है, बाकी सिलाई हम ऐसी बना। देखिए राइट साइड की रो है हमारी ये। पीछे से फिर से हम 2 फंदे उतार लेंगे, वो दूसरा कलर ये वाला लगाएंगे, अपने फंदे बना लेंगे। अभी हमारे 2 फंदे कम हो चुके हैं, 2 फंदे और बकाया हैं, तो अभी हम देखिए ये फंदा हमने कम कर दिया, अब हमारे 3 फंदे बकाया रह गए हैं। ये हमारे पास 3 फंदे आगे एक साइड लगाकर पीछे का साइड करेंगे और 3 फंदे हम फिर से बनाएंगे, इसमें से एक फंदा हम और कम कर देंगे। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, जैसा हमारे पास कलर है, फंदे हैं जिस कलर के, उसी कलर से हम इसको बनाएंगे। सारे फंदे हमें रेड कलर से हैं तो हम इसको रेड कलर से ही बनाएंगे। ये हमारा राइट साइड है, इनको भी हम इसी तरीके से, हमारे पास जैसे भी कलर के फंदे हैं उसी कलर के धागे से बना के लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी एक कली बन चुकी है। दूसरी कली के लिए हम और कलर लगाएंगे, तो इसके हमारे रॉन्ग साइड से हमें सारे फंदे एक साथ लेने हैं और फिर से जैसे कि हमने ये कली बनाई थी उसी तरीके से हमें दूसरी कली भी बना के कम्प्लीट करनी है। बाकी कलियाँ भी हम ऐसे ही बना लेंगे तो हमारा डोरमेट बन के कम्प्लीट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बाकी कलियाँ भी मैंने बना के कम्प्लीट कर ली हैं और यहाँ पे मेरी पूरी 10 कलियाँ बनी हुई हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया था आपको 4 कलर लगाने हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 कलर लगाए हुए हैं। देखिए ये कलर की कली बनाने के बाद फिर हमने ये कलर अटैच किया हुआ है, जैसे हमने ये कली बनाई थी उसी तरीके से ये कली भी हमने बनाई है और फिर पूरी बनाने के बाद मैंने यहाँ पर इसको सिलाई कर दिया है। फ्रेंड, इस तरीके से मेरा डोरमेट बन के बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है। अगर आपको बड़ा बनाना है तो इसमें आप और ज़्यादा फंदे डालिएगा और इसी तरह से आप, और अगर आपके पास 4 कलर नहीं है या और कलर हैं तो आप इसमें और भी कलर बना के इस तरह से अपनी कलियां बना सकते हैं। कोई भी फ्लावर ऊपर से टच कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये फ्लावर बना के टच किया हुआ है। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट द्वारा समझा सकती हूँ। सो फ्रेंड, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।